हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल उजमान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा स्मार्ट टीवी की प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा यूट्यूब की जो स्मार्ट टीवी के अंदर कुछ दिनों बाद अपडेट मांग लेता है या फिर दिस एक्शन एजेंट अलाउड लिखा हुआ आता है और यूट्यूब आपका काम नहीं करता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह आए हो आप, घबराइए मत। आपको मैं बताऊंगा कि आपका YouTube कैसे काम करेगा, कैसे चलने लगेगा स्मार्ट टीवी के अंदर। दोस्तों जो आपको मैं स्टेप बताता हूं वो आप फॉलो कर लेना, फॉलो करते ही आपका YouTube काम करने लगेगा। दोस्तों अगर आपकी भी स्मार्ट टीवी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हो। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपको स्मार्ट टीवी से संबंधित हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता रहता हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्मार्ट टीवी से संबंधित हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहाँ मिलेगा। दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर कम से कम 30 से 40 वीडियो है जो कि स्मार्ट टीवी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। दोस्तों उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर यूट्यूब नहीं चलता है स्मार्ट टीवी में या फिर कोई और एप्लीकेशन रन नहीं करता है। दोस्तों यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मार्ट टीवी वाली दिस एक्शन एजेंट अलाउड। दोस्तों उसको मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया है वीडियो के अंदर। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक कहीं मिल जाएगा या फिर दोस्तों आपको आई बटन में जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों उसके अंदर आप जाके जरूर चेक करना। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है यूट्यूब से संबंधित या फिर कोई और एप्लीकेशन से संबंधित, जैसे स्मार्ट टीवी को आप कैसे अपडेट करोगे, स्मार्ट टीवी के अंदर आप वर्जन कैसे चेक करोगे, स्मार्ट टीवी के पुराने वर्जन को आप अपडेट कैसे करोगे, दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों और भी जैसे स्मार्ट टीवी के अंदर टाइम कैसे सेट करना आपको, वो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए उसके अंदर बता दिया है। और प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों कौन कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों स्मार्ट टीवी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि हर इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे स्मार्ट टीवी की होम स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने YouTube ओपन कर लिया है। YouTube ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों दिस एक्शन एजेंट अलाउड। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एक्शन एजेंट अलाउड। और दोस्तों ये प्रॉब्लम है वो कुछ थोड़े दिन बाद है, जब आप स्मार्ट टीवी लेके आते हो मार्केट से उसके तुरंत थोड़े दिन बाद, एक महीने दो महीने या छः महीने लास्ट, इसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। दोस्तों मेरी स्मार्ट टीवी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आई थी, बट मैंने दोस्तों एक ट्रिक लगाई और मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरा यूट्यूब भी चलने लग गया। जी हाँ दोस्तों आज मैं बिल्कुल मज़े लेता हूँ यूट्यूब चलाकर, उस तरीके से आप भी इंजॉय कर पाओगे वीडियो को। तो आगे स्किप करना मत, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो मैं स्टेप फॉलो करता हूँ वो सारी स्टेप आप फॉलो कर लेना, आपका जो दिस एक्शन एजेंट अलाउड है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों इस चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ऑलरेडी 30 से 40 वीडियो स्मार्ट टीवी से संबंधित, जो भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने हर टॉपिक को कवर किया है, दोस्तों एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है। स्मार्ट टीवी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनका सारा जो टॉपिक है वो मैंने एक एक करके सारी वीडियो बना दी है। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट आपकी यहाँ ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको हर टॉपिक की वीडियो मिलेगी। दोस्तों आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं मिल पड़ेगी क्योंकि उसके अंदर मैंने हर टॉपिक को कवर किया है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे YouTube मैंने ओपन किया था, यहाँ पे देख सकते हो मैं बैग चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे YouTube ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यूट्यूब ओपन किया, करते ही दोस्तों ये प्रॉब्लम आ गई थी सेक्शन एजेंट अलाउड। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बैग चले जाना है, बैग जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ये जो वाईफाई नेटवर्क है ये इसको कनेक्ट कर लेना आपको, क्योंकि वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करने के बाद ही आपका जो ये जो अपडेट होगा, जो एप्लीकेशन है वो अपडेट होगा, क्योंकि आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों।
अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज ऐप मार्केट आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, लास्ट में लिखा हुआ है एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ दोस्तों एप्लीकेशन मैनेजर। दोस्तों ये मेरे स्मार्ट टीवी के अंदर एप्लीकेशन मैनेजर नाम से है, और आपके स्मार्ट टीवी के अंदर अपटोडे टीवी नाम से हो सकता है। दोस्तों आपको अपटोडे टीवी अपडेट कर लेना या डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको एप्लीकेशन मार्केट नाम से जो एप्लीकेशन नज़र आ रहा है उसको ओपन कर लेना है। दोस्तों मैं आप इस ओपन कर लेता हूँ, और दोस्तों आप देख सकते हो अपटोडे टीवी ही ओपन होके आया है लास्ट के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये जो स्मार्ट टीवी का जो एप्लीकेशन मार्केट है, ये एक तरह का अपटोडे टीवी है दोस्तों। अब दोस्तों ये मेरा पुराना वर्जन हो गया, इसको अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं ये अपडेट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इसको अपडेट बाद में करूँगा, मैं आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आपको कैसे अपडेट करना है वो आप देख लेना जाके प्लेलिस्ट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में आपको कहीं वीडियो मिल जाएगी, वहाँ आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अपटोडे टीवी मेरा ओपन हो गया है दोस्तों, एक तरह का जो एप्लीकेशन मार्केट है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार नज़र आ रहा है कॉर्नर के अंदर, इसके अंदर आपको सर्च कर देना दोस्तों, यहाँ पर सर्च कर देना यूट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ यूट्यूब। अब दोस्तों यूट्यूब मैंने सर्च कर दिया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब जो स्मार्ट यूट्यूब टीवी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट यूट्यूब टीवी। दोस्तों ये स्मार्ट यूट्यूब टीवी है, ये स्मार्ट टीवी के लिए ही बना है दोस्तों खास तौर पे, क्योंकि जो हमारे फ़ोन के अंदर यूट्यूब होता है वो हमारे जो फ़ोन का होता है, और जो स्मार्ट टीवी का है वो अपटोडे टीवी के अंदर जो पहले ही आ जाएगा, सबसे पहले सर्च करोगे वहाँ पे आ जाएगा, तो वो आपका स्मार्ट टीवी का यूट्यूब ही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, ये मोर इन्फॉर्मेशन है, अदर वर्जन है, ट्रस्टेड ऐप है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे ओके कर देना है, और दोस्तों ये इंस्टॉलिंग आपकी ऑन हो गई है दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों, स्मार्ट यूट्यूब टीवी डाउनलोड स्टार्ट हो गई। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 1080 4K मेन वगैरह दिखा रखा है, और दोस्तों ये एप्लीकेशन है वो 7 मिलियन प्लस डाउनलोड है, और साइज है उसकी 6.8 MB। दोस्तों इसका वर्जन है 6.17.739। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्ट टीवी के अंदर यूट्यूब ओपन कर सकते हो, चला सकते हो। दोस्तों जो आपका पुराना वर्जन है उसको आप न्यू वर्जन में डाउनलोड कर सकते हो, और आपका ये जो स्मार्ट यूट्यूब टीवी है, इसके अंदर स्मार्ट यूट्यूब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये टीवी के लिए बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो स्मार्ट टीवी है वो काम करने लगेगा दोस्तों, ये ट्रिक आप अपनाना दोस्तों। अगर वीडियो से आपको ज़रा सा फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, और छोटा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम आगे और भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहेंगे दोस्तों। आपको अगर और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों, हर सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।